ऐसा करते हैं वीरेन जी, जरा थोड़ा विश्राम लेते हैं बाजार से और एक बहुत ही जानी मानी कंपनी जो हमारे साथ बाजार में लॉन्ग साइड पर काफी साथ देती हुई दिखी वो थी पॉलीकैब। पॉलीकैब का स्वागत हम लोगों ने किया एफएनओ क्षेत्र में पिछले 3 महीने में और इस काउंटर का अगर आप प्रदर्शन देखें तो सीधा ये लगभग समझिए 2200-2300 रुपए से बढ़ता हुआ दिखा आपको 2750 तक, और जैसा कि आप बाजार में बिकवाली देख रहे हैं वो यहां पर भी हावी होती हुई, आज का जो कट है वो लगभग 4.5% का है, लेकिन नतीजे अच्छे थे। और हमारे साथ फिलहाल इंदर जयसिंघानी साहब जो कि चेयरमैन एंड एमडी है पॉलीकैब इंडिया के, और गंधर्व चोंगिया साहब जो कि सीएफओ है पॉलीकैब के, आपको स्क्रीन पर जुड़ते हुए दिखेंगे। नतीजों का जो आपके सामने ग्राफिक्स है वो स्क्रीन पर है ही, रेवेन्यू लगभग 23% ऊपर 3372 और मुनाफा 1.4% ऊपर 448 रुपए के 448 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। सबसे पहले जय सिंघानी साहब से जुड़ते हैं। नमस्कार सिंघानी साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आपने इस क्वार्टर में अपने सेगमेंट्स को मदद करते हुए देखा और पूरे सेगमेंट्स के सामने क्या क्या परफॉर्मेंस आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रस्तुत करी? इक्विटी बाजार ने काफी जबरदस्त किया और एफएमजी पहले से बेटर है, बहुत बेहतर आगे होगा। थोड़ा पेंडेमिक है उसकी वजह से एफएमजी को थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ, बाकी केबल वायर तो अच्छा चल रहा है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जोर में तो जगह की डिमांड अच्छी है। सर मैं एक एक करके सेगमेंट से बातचीत करता हूं। अगर आप मैं सेगमेंटल रेवेन्यूज पर वर्टिकल से बात करूं तो सर यहां पर जो इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट है वहां पर आप देखें जो आपका जो मोमेंटम था और जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी आप देखें टैगल होती वो थोड़ी ट्रबल नजर आई, वहां पर मोमेंटम लॉस्ट हुआ। क्या ये जो सेगमेंट है इस क्वार्टर में कैसा करेगा या फिर अगले एक दो क्वार्टर्स में आप इस कोविड थर्ड वेव का इंपैक्ट देखते हैं क्या जो आपका इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट है वहां पर? ये बराबर है कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक के चक्कर में लोग बाहर निकलते हुए थोड़े घबराए हुए हैं, वो अभी डर जो अभी आस्ते आस्ते निकल रहा है। आई थिंक सो फरवरी के बाद ही जाके इम्प्रूव होगा कि अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसे निकलना शुरू होंगे एफएमजी में क्या है, हर एक को अपने घर बनाने हैं, हर एक को बाहर निकलना है, चीजें पर्सनली देखनी है और वो हिसाब से डिमांड है। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए पॉलीकैब की मार्जिन्स, आपने इस तिमाही में 10.7% आती हुई देखी है मुकाबले 12.7%, यानी कि 200 पॉइंट्स का कट आपने देखा यहां पर मार्जिन्स में इस तिमाही में। अब ऐसा करते हैं जोड़ते हैं यहां पर टोंगिया साहब को। नमस्कार गंधर्व जी, ये बताइए कि ये जो मार्जिन्स हैं बिल्कुल प्रेशर में थी और लगभग आपने 200 पॉइंट इनको कटते हुए देखा है, क्या ये सिर्फ कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है या आपको क्या क्या परेशानियां आती हुई देखी रॉ मटेरियल्स के अलावा? ये तिमाही हमारे कंपनी के इतिहास में सबसे अच्छी थी। हमने लगभग 3372 करोड़ की टॉपलाइन करी है। सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों इंप्रूव हुआ है। एबिटा में लगभग 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, कंट्रीब्यूशन में लगभग 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। जहां तक डिमांड की बात है, हमें केबल वायर में अच्छा सपोर्ट मिला है। केबल बिजनेस में जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है वहां पर लगभग 150% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एक्सपोर्ट्स लगभग 8% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टॉपलाइन को। एफएमजी लगभग 10-12% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और जैसे आपने पहले पूछा था एफएमजी के बारे में, एफएमजी 2 साल में लगभग 57% की ग्रोथ दर्ज कर चुका है। तो ऑल अक्रॉस सारी बिजनेस में ग्रोथ अच्छी आई है। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी बात है, पिछले क्वार्टर से एक क्वार्टर बेटर रहा है और लग रहा है कि अगले साल हम लोग 11-13% के बीच के मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। एक और चीज अगर आप देखें, ठीक है अगर मैं वाई बेसिस पे देखूं तो मार्जिन में थोड़ा डिफर, लेकिन सिक्वेंशियल इट्स एक्सपेंशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट। आपने कितने और कितने क्वांटम और कितने इंस्टेंसेस पर आप देखें प्राइसेस हाइक किए हैं और ये 13% की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आप अपने आप को कब तक मेंटेन कर पाएंगे या फिर करने की योजना है या फिर करने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? हम लोग ने लगभग मिड सिंगल डिजिट का प्राइस हाइक लिया है और
इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी लगभग उसके आसपास का ही था, उसकी वजह से तकरीबन 70 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन फायदा दिख रहा है। 11-13% हम लोग जनरली एबिटा मार्जिन मेंटेन करते हुए आ रहे थे अब तक, ऐसा लग रहा है कि अगले साल में हम 11-13% के मार्जिन में चले जाएंगे। इस साल का तीसरा और चौथा तिमाही 11% की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक चीज आपको ध्यान होगी कि हमने पिछले क्वार्टर में प्रोजेक्ट लीक के बारे में बात करी थी, उस प्रोजेक्ट लीक के अंदर हम लोग 20,000 करोड़ की टॉप लाइन करना चाहते हैं FY 26 तक और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे भी काफी काम बढ़ रहा है। साल दर साल टॉप लाइन भी इंप्रूव होगा और मार्जिन भी धीरे धीरे और इंप्रूव होगा। चलिए जय सिंघानी साहब से चर्चा करते हैं। आपने सिंघानी साहब राइकर बेचा जो आपकी यूनिट थी और लगभग 323 करोड़ रुपए आपको हिंडाल्को की तरफ से आते हुए, 2.25 लाख टन प्लांट है जो कि कास्ट और रोल्ड कॉपर वायर बनाता है पॉलीकैप के लिए। ये जो सेल आपने की है इससे आपके जो कॉपर रिक्वायरमेंट्स है उसका इंपैक्ट क्या होगा और इस पैसे का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे? 323 करोड़ रुपए फिलहाल आपको राइकर यूनिट से मिले हिंडाल्को को बेचने के लिए। हमने जो राइकर जिनको दिया है उनके साथ लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारे जितने कैथोड आएंगे वो हमारे लिए कूलिंग करेंगे, तो वो हमारा कंटिन्यूस जैसे पहले था, हमारा पहले राइकर के साथ था, अभी भी राइकर के साथ ही है, तो उन्होंने खाली बदल जाएंगे। जितना भी कॉपर चाहिए हम उनसे कूलिंग करा देंगे। हमारा जापान से इम्पोर्ट आता है, हमारा इम्पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो इम्पोर्ट आएगा वो हम उनसे कूलिंग कराएंगे, तो ओनली ऑन द कूलिंग चार्जेस, बाकी उसमें कुछ नहीं, तो नो चेंजेस है। चलिए अब फाइनली आप देखें जो डिमांड सिनेरियो उसको लेके बात करते हैं। इंद्रजी, अभी अगर मैं इस करंट वेव को छोड़ दूं, अगर मैं और 3 महीने पीछे से चलूं या फिर 3 महीने आगे को फोकस करूं, तो ये जो रियल स्टेट स्पेस में मोमेंटम है और डिमांड काफी स्ट्रांग है, हाउसिंग अगर आप देखें जो रेट्स है काफी सब्सटेंशियली लो है, 6.5-6.67 की डायरेक्टरी में, तो आपको डिमांड सिनेरियो आगे यहां से 1-4 महीने या फिर 2 क्वार्टर्स के लिए लगता कैसा है? प्राइवेट साइड से होना चाहिए वो हिसाब से तो देरी हो रहा है, क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, हर एक का बजट बढ़ गया, हर एक का बजट पूरा चेंज हो गया, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पिकअप करते करते 4-6 महीने और लगेंगे, पर ऐसे लगता है नेक्स्ट ईयर इसकी वजह से अच्छी डिमांड आएगी प्राइवेट की। बाकी गवर्नमेंट की डिमांड इन्वेस्टिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जोर शोर से आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने और वो चलते ही रहेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन भी काफी जोर में है, मतलब हर जगह इंफ्रा बन रहा है, हर जगह आदमी को लगता है कि अभी फैसिलिटी बहुत अच्छी आ रही है, तो हम कहां दूर भी रह सकते हैं, तो सब जगह 2 टायर 3 टायर 4 टायर इवन 5 टायर सब जगह डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन की बहुत अच्छी है, तो ये तो कंटिन्यू रहेगी। अरे सेक्टर मेरे को लगता है 1-6 महीना और लगेगा, मतलब रॉ मटेरियल प्राइस इज गॉन टू मच है, तो कैपेक्स कॉस्ट हल्की हो गई है। पॉलीकैप के टॉप मैनेजमेंट को ओनर श्री जय सिंघानी साहब और सीएफओ श्री टोंगिया साहब को चर्चा करते हुए देखा किस हिसाब से उनकी फाइनेंशियल्स आगे की तिमाहियों में काम करती हुई दिखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। चलिए बाजार पर एक नजर डाल लीजिए, अब एग्जैक्टली 200 पॉइंट का कट